कैसे दोस्तों, मैं बंटी स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने YouTube चैनल पे। और आज हम आपको बताने वाले हैं रॉयल पे की डिज़ाइन जो पुट्टी से भी बना सकते हैं। अगर आपको रॉयल पे की डिज़ाइन पुट्टी से सीखना हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन जरूर दबा दें। तो करते हैं वीडियो शुरू। हेलो फ्रेंड, तो आपने जैसे देखा ही है कि पुट्टी से हम स्पैचुला वाली जो बिस्कुट डिज़ाइन होती है वो आपको बनाकर दिखा रहे हैं कि पुट्टी से आप कैसे उसे बना सकते हो। देखिए, आप पुट्टी से उसे बिल्कुल बना सकते हो। इसमें हमने कलर मिलाया है, एपेक्स देख लीजिए। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है क्योंकि आपको वाइट में समझ में नहीं आएगा डिज़ाइन कैसी बन रही है, तो उसके बाद में आप समझ जाओगे। देखिए, पुट्टी थोड़ा सा कलर में है तो आपको बिल्कुल उभर के पुट्टी दिख रही है, वाइट रहती तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मशीन से पुट्टी हम मिलाते हैं वैसे आपको मिलाना है, और दीवार पर से पुट्टी करते हैं आपको वैसी वॉल पर लगाना है। आप देख सकते हो किस टाइप से लगा रहा है। आप पुट्टी करते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आता है कि आप पुट्टी कैसे करते हो और कैसे वॉल पर लगाते हो, तो आपको भी ऐसे वॉल पर पुट्टी लगाना है। इसमें एक प्रॉफिट ये रहेगा कि आपका जोड़ बिल्कुल भी नहीं आएगा, जॉइंट बनता है वो बिल्कुल नहीं आएगा, आपका बिल्कुल मस्त बन जाएगा डिज़ाइन, कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको। और इसमें आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। आपको वाइट कलर रहेगा तो इसमें आप कोई भी कलर कर सकते हो, कलर होने के बाद में बहुत अच्छा दिखेगा। आप देख लीजिए पुट्टी ऐसा करते हैं, वैसे आपको पहले पुट्टी करना है और ये हो जाता है तो उसकी आपको उसके बाद में 150 नंबर से उसकी घिसाई करके प्राइमर करके कलर कर सकते हो, बहुत शानदार बनेगा और बिल्कुल इजी डिज़ाइन है। आपको इसमें ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है कि आपको लगता है कि बहुत मेहनत काम है। आप नॉर्मल पुट्टी तो करते ही पुट्टी करते ही उसके बाद आप देख लें जो बिस्कुट डिज़ाइन बनती है, स्पेचुलर जो डिज़ाइन होती है वैसे आपको बनाना है। तो बिल्कुल भी इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप आराम से इसे बना सकते हो। कि देख लीजिए, स्पैचुला बोलते हैं जिसको, जिसे हम बिस्कुट डिज़ाइन बोलते हैं। कि देख लीजिए जैसे बिस्कुट बनते हैं किस टाइप से, पहले देख लीजिए, पहले हम खड़े खड़े उसे कर रहे हैं, उसे देख लीजिए तीन आकार में करते हैं, पहले उसे आड़ा तिरछा फिर सीधा, आड़ा तिरछा फिर सीधा। आप देख लीजिए आड़ा तिरछा फिर सीधा, हम इस टाइप से इसे बनाते हैं। आपको भी इस टाइप से बनाना है, कुछ नहीं है, डिज़ाइन बहुत इजी है, आप इसे देख देख के सीख सकते हो और बिल्कुल बना सकते हो। इसे ही छोटी वॉल पर हमने आपको बताया कि इसका प्रारूप है कि इस टाइप से आप पूरी वॉल पर अप्लाई करके बना सकते हो। और एक बात का ध्यान रखिए, इसमें आप कलर ना मिलाए तो अच्छा है, अब वाइट से ही बनाओ इसे, और इसे प्राइमर करने के बाद आप जो चाहे वो कलर से आप कर सकते हो, बहुत मस्त लगेगा। अब इसमें गोल्डन कलर भी दे सकते हो, ब्राउन कलर दे सकते हो, ये ब्राउन गोल्डन दो कलर में दे सकते हो, एक कलर में रखना एक कलर में रख सकते हो, बनने के बाद बहुत अच्छा दिखता है ये। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पूरा कंप्लीट होने के बाद इसे एक दिन सूखने देना है, उसके बाद में इसे 150 नंबर से सही कर देना है और उसके बाद उसे प्राइमर मार के कलर करना है। ठीक है फ्रेंड, आप देख सकते हो, आपको भी बस तीन आकार में ध्यान रखना है, एक आड़ा तिरछा और फिर खड़ा, इस टाइप से आपको बिस्कुट बनाते जाना है। जो थोड़ी बहुत जॉइंट आ भी जाएंगे वो घिसाई से हो जाते हैं। बस आपको इसका ध्यान रखना है कि पुट्टी को ज़्यादा सूखने नहीं देना है, अगर सूख जाती है तो उसे फिर से ऊपर पुट्टी लगाना है। अब देख लीजिए बन गया है, और उसके बाद में आप ऐसा कुछ कंकड़ आता है तो उसमें निकाल देना है, जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है उसे हमको घिसना है, बस वो भी एक दिन के बाद में। आपको जो स्पैचुला होता है उससे आप ध्यान से देखिए हम किस टाइप से करें। आपको फिर पहले भी बताया, एक आड़ा तिरछा फिर खड़ा, आड़ा तिरछा फिर खड़ा, इस टाइप से ही हम जो स्पैचुला होता है उसे चलाते हैं।
कलर वाली में हमारा मेटलिक जो होता है उसमें जॉइंट आने का थोड़ा टेंशन रहता है गर्मियों में, बट पुट्टी में ऐसा कुछ नहीं है। डिज़ाइन बहुत मस्त रहेगा और आपका इजीली बन जाएगा और इसमें कॉस्ट भी कम पड़ती है, और आप पेंटर होते इसे आसानी से बना सकते हो, और अगर पेंटर नहीं भी हो तो आप इसे आसानी से बना सकते हो। बिल्कुल, आप इसे फुल वॉल पर अप्लाई कर सकते हो, ये बनने के बाद में बहुत सुंदर दिखता है। तो ये एक प्रारूप है, इसे आप देख देख के सीख सकते हो और बिल्कुल बना सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो कहाँ आपको गड़बड़ है, लग रहा है कि नहीं बनेगा, किस टाइप से बनेगा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो जरूर इसका रिप्लाई करके आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देख लीजिए नीचे जो लास्ट इसका बचता है इसका, उसे हम कैसे करते हैं। बिल्कुल, आप जैसे पुट्टी करते हो आपको ऐसी पुट्टी करना है। उसके बाद में जो स्पैचुला होता है उसे आपको सिर्फ तीन आकार में चलाना है वॉल पर, आड़ा, तिरछा और खड़ा, आड़ा, तिरछा और खड़ा। बस इस टाइप से आप चलाओगे तो आप बिल्कुल आसानी से बना पाओगे। ये देख लीजिए, फिर से आपको बता देते हैं, ये आड़ा हो जाता है, फिर तिरछा, फिर खड़ा, आड़ा, तिरछा, खड़ा। इस टाइप से आपको बनाते जाना है तो इससे आपकी डिजाइन बहुत अच्छी बन जाएगी और सुंदर दिखेंगे। इसके बाद आप इसमें प्राइम घिसाई करके, प्राइमर करके जो चाहे वो कलर कर सकते हो, बहुत अच्छे दिखेंगे, उभरे हुए दिखेंगे। और इसमें आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और ऐसी वीडियो जल्द से जल्द और अपलोड करूँगा ताकि आप इसे देख सको और सीख सको और अपने काम को आगे बढ़ा सको। देख लीजिए बनने के बाद में कितना मस्त लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।